सब गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन एंड जिसके आप देख सकते हो द क्रूसिबल जो है लाइव आ चुका है एंड मतलब इस वेनसडे को आया था एंड उसी का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। एंड एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो ये परमानेंट कॉन्टेंट है, जिसका मतलब कि आज अगर नहीं करते तो जब कभी भी आपके पास इनफ चैंपियंस हो जाते हैं तब जाके आप फिनिश ऑफ कर सकते हो, रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जैसे कि हर एक दूसरे सारे परमानेंट कंटेंट के साथ इसका एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव है एंड इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यहाँ पर ऐसा है कि फुल्ली एक्सप्लोर द क्रूसिबल क्वेस्ट ऑन एनी डिफ़िकल्टी। तो बेसिकली अगर आपको लोवेस्ट लेवल की डिफ़िकल्टी फिनिश ऑफ करनी है, 100% एक्सप्लोर करनी है, तो जो कि नॉर्मल लेवल की है एंड जहाँ पर आपको चार अलग अलग पाथ है एंड बेसिकली पाथ छोटा हो जाता है तो आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत मैनेज कर पाओगे। तो अगर आपको ये डेथलेस विजन का लास्ट वाला पीस चाहिए तो डेफिनेटली आप उसके लिए जा सकते हो, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जाऊंगा जो हार्डेस्ट कंटेंट है उसके लिए एंड उसी की वजह से देख सकते हो इसके ऊपर टाइम है, 25 डेज का टाइमर है। अगर 25 डेज के अंदर आप इसको फिनिश ऑफ नहीं करते तो फिर ये पीस भी चला जाएगा, साथ ही साथ रैंक 1-2 का जेम भी चला जाएगा एंड साथ ही साथ अगर आप लोग देखें यहाँ पर लेजेंडरी वाली डिफ़िकल्टी के अंदर फुल्ली एक्सप्लोर करने की क्वेस्ट का 2-3 एक जेनेरिक रैंकअप जेम मिलता है जो कि 7-स्टार का है, जो कि लाइक इट्स प्रीटी ऑसम। सो मेरे पास जैसे कि मैं बता रहा था प्रीवियसली भी, यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा चैम्पियंस है नहीं, ज़्यादा बिल्डअप है नहीं मेरे पास, देख सकते हैं कि 7-स्टार से फिल्टर कर तो है थोड़े बहुत अच्छे खासे हैं एंड जो भी अच्छे हैं सिर्फ उन्हीं को ही मैं रैंकअप करता हूँ, उसके अलावा सारे के सारे वहाँ पर नीचे ही रहते हैं। सो हम लोग अभी जाएंगे क्रिस्टल ओपनिंग करने एंड स्टार्ट करेंगे। मतलब मैं लिटरली काफ़ी सारे टाइम से बचा रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास 10 लिटरली 10 सेवन स्टार क्रिस्टल ओपन करने के लिए अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट विद लाइक वेरी प्रीटी बेसिक्स, या समथिंग लाइक दिस, इससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये कुछ खास है नहीं एंड या 4-स्टार देगा, थोड़ा बहुत आईएसओ भी मिलेगा तो आईएसओ की वजह से हम लोग रैंक अप भी कर पाएंगे, लेवल अप भी कर पाएंगे। मेरे पास वैसे भी थोड़ा बहुत गोल्ड अभी कम ही है सो वो रहेगा एंड देन फिर मेरे को एटलीस्ट पता चलेगा कि भाई मैं किसको रैंक अप कर सकता हूँ, किसको नहीं करना है वगैरह वगैरह। तो या वो सारी चीज़ें हैं एंड थोड़ा बहुत इसको भी ले ही लेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, रेलिक्स को, क्योंकि रेलिक्स भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बैटल ग्राउंड क्या गेम के अंदर जो है बेटा रिवील लाइव आ चुका है, मैंने अभी कलेक्ट नहीं किया क्योंकि मेरे अभी अराउंड 10 दिन बाकी है एंड 10 दिन के बाद मेरे पास वो क्या कहते हैं लास्ट वाला पीस आएगा एंड वहाँ से फिर मैं वो कलेक्ट कर पाऊँगा। सो यहाँ पर मैं 5-स्टार एंड 6-स्टार वाले ही ओपन कर रहा हूँ, 3 और 4-स्टार वाले तो नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है थॉर वाला रेलिक। अगर थॉर वाला रेलिक मिलता ना तो मैं डायरेक्टली उसको उसके ऊपर लगा देता बेटर रिबिल के पास, जैसे वो मेरे को प्यास आएगा एंड होपफुली वो डायरेक्टली आते ही रैंक 2 पर जाएगा क्योंकि डैमेज के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे लोगों के पास हैगा होगा वो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगेन वो एक अटैकिंग चैम्पियन है, डिफेंस में ज़्यादा कुछ है नहीं उसके पास, तो बैटल ग्राउंड्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड एक और हमको 5-स्टार नेक्सस मिला है, एक और मतलब पहला ही मिला है बट या 5-स्टार नेक्सस मिला है जिसको हम लोग अभी के लिए बचा के रखेंगे। 5-स्टार तो वैसे भी मैं ओपन करता नहीं हूँ ज़्यादा, हाँ 6-स्टार मेरे पास 245,000 जितने पड़े, तो या इसको एक जस्ट एक वाले को ओपन कर लेते हैं एंड शी हल्क मिली है, वाई नॉट। वैसे मेरे को एक्चुअली यहाँ पर जाना नहीं था बट एनीवेज हम लोग अभी यहाँ पर जाएंगे रेगुलर क्रिस्टल के अंदर एंड देन फिर यहाँ पर देखेंगे कि जो रैंडम सी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है तो उनको ओपन करेंगे। सो स्टफ लाइक लेट्स फाइंड आउट लाइक प्लेटिनम पुल क्रिस्टल्स, जो काफ़ी सिंपल्स है बेसिकली, प्लेटिनम पुल के पीसेस मिलने के चांसेस होते हैं, अगर नहीं होते तो एटलीस्ट ये शार्ड्स होते 7-स्टार के या तो फिर 6-स्टार के या तो फिर टीयर 6 के बेसिक है, टीयर 4 के अल्फा कैटलिस्ट होते हैं, 4 के तो यूजुअली नहीं देखने को मिलते, 3 के ही देखने को मिलते हैं एंड या तो बेसिकली वैसे करके हम लोग जस्ट ये सिलेक्टर पॉप करते ही जाएंगे। देख सकते हैं एक वाले के अंदर हमको डायरेक्टली 5 मिले थे और 9 बचे हैं एंड एक शायद हमको पूल का पीस मिलेगा एंड ये आई गेस 6-स्टार प्लेटिनम पूल का पीस रहेगा एंड पुलोजा क्रिस्टल सिलेक्टर, तो हम लोगों ने इसको चूज़ किया
लेट सी उसमें से देखते हैं उस क्या मिलेगा क्या नहीं। तो ये एक चेस्ट है वहाँ से मिला हमको। एंड या मूविंग ऑन, ओ एक और है पैरागॉन वाला, पता नहीं। ओके और भी ज़्यादा है बच्चे, वाओ मेरे को नहीं पता। ओके पैरागॉन क्रिस्टल हम लोग डेफिनेटली ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर 7-स्टार चैंपियन का चांस है। एक और पैरागॉन क्रिस्टल, ऑल राइट यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल रहा है एक और पीस कलेक्ट करने का जो कि 7-स्टार वाला है ये। या 7-स्टार वाला है। इन 7-स्टार में देख सकते हो 1, 2, 3 पड़े हैं। ये लेफ्ट वाला एल्बो नहीं है तो हम उसको ले लेंगे। एंड देन फिर ये लेने के बाद हमारे पास और 2 पीसेस मिसिंग है तो देखेंगे कितने और चाहिए। ओ 2 है कलेक्ट करने के लिए, वाओ नो वे, पता नहीं मैंने कितने क्रिस्टल खोले। तो हम लोग इसको एक और ले लेंगे, होपफुली शायद एक और हो ना हो। या ये लास्ट था। सो या फाइनली जस्ट एक ही पीस बचा है 7-स्टार प्लेटिनम पूल के लिए, तो होपफुली वो भी मिल ही जाएगा आगे जाके। तो हम लोगों ने वहाँ पर ओपन किया, यहाँ से हमको एक गारंटीड प्लेटिनम पूल मिलेगा तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए रखते हैं। उसके अलावा जो भी प्लेटिनम पूल के क्रिस्टल है, अल्ट्रा सुपर कूल क्रिस्टल, लेट्स सी। ओके ये आई गेस ये फाइनल पीस है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो शायद हमको प्लेटिनम पूल का 7-स्टार वाला वर्जन भी देखने को मिल सकता है होपफुली। एंड लास्टली यहाँ से हम लोग एक गारंटीड वाला पीस होता ही है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पीसेस थे 6-स्टार प्लेटिनम पूल के। तो ये एक सारे के सारे पीसेस अगर कलेक्ट कर लेते हो तो आप उसको गेन कर सकते हो। एंड यहाँ से बेसिकली प्लेटिनम पूल गारंटीड होता है और उसके साथ कोई भी एक प्रोफाइल पिक्चर मिलती है। बट जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक प्लेटिनम पूल है तो ये अवेकन हो रहा है एंड ये नेचुरल उसकी अवेकनिंग है या क्योंकि मैंने उसको अवेकनिंग जेम दिया नहीं था एंड मैं देना भी नहीं चाहता था। आई मीन वो हार्डली ही कहीं पर यूज़ होता है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमको 7-स्टार वाला ऑप्शन भी मिल रहा है। सो नाउ अब हम लोग जाएंगे दूसरे क्रिस्टल के लिए। शायद मेरे पास पैरागॉन वाले क्रिस्टल है देख सकते हो। एंड देन उसके अलावा या हमारे पास और थोड़े बहुत अल्ट्रा पूल वाले क्रिस्टल है। इसको डायरेक्टली पॉप ओपन कर लेते हैं। 390 यूनिट्स वाई नॉट ले लेंगे हम लोग जो भी यूनिट चाहते हैं ऑफकोर्स। एंड देन हमारे पास अभी नेक्सस क्रिस्टल भी है, रेगुलर 6-स्टार नेक्सस क्रिस्टल है। एंड या सो हम लोग जाएंगे अभी पैरागॉन क्रिस्टल के लिए। तो ये एंटीक्वेटेड पैरागॉन क्रिस्टल है एंड इसके अलावा भी रेगुलर शायद पैरागॉन क्रिस्टल भी है। ओके सो मिल गए मेरे को पैरागॉन क्रिस्टल। सो हमारे पास 8 है पैरागॉन क्रिस्टल एंड ये मेनली सारे के सारे पैरागॉन क्रिस्टल जो है नीचे जो साइड वाली मंथ वाली इवेंट चल रही थी एंड पता नहीं आवाज़ कहाँ पर क्यों लो था तो वहाँ से मिले। सो या मेनली 5-स्टार्स एंड 4-स्टार एंड एक और अगेन नेक्सस वाला 5-स्टार है तो हम लोग उसको बचा के रखेंगे। एंड मैं मेनली इसलिए बचा के रखता हूँ ताकि फिर आगे फ्यूचर में जाके सपोज मेरे को कोई चैंपियन को रैंकअप करना हो एंड देन फिर मेरे पास ISO कम पड़े तो मैं स्पेसिफिक चैंपियन मतलब अगेन ये क्रिस्टल ओपन करने के बाद सिर्फ 3 ही ऑप्शन मिलते हैं तो 6 में से कोई भी 3 ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे। होपफुली जो मेरे को चाहिए वो वाला ISO मिल जाए बट अगर नहीं मिलता तो ठीक है। एंड मेनली दिक्कत यही होती क्योंकि ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस होते नहीं। तो यहाँ पर पता नहीं यहाँ पर एक और ये 2 सेपरेट है अगेन एंटीक्विटेड पैरागॉन क्रिस्टल तो हम लोग इनको भी ओपन करेंगे। 7-स्टार के ऑप्शंस है नहीं है बट अगेन 1 6-स्टार मिला जो कि ठीक है ले लेंगे, काफ़ी अच्छा है जो कि मैं इतना यूज़ नहीं करता क्योंकि ये अगेन 7-स्टार में सेम टू सेम वाला वर्जन अवेलेबल है मेरे पास। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे मैग्नाट्रॉन क्रिस्टल। एंड अगेन अगर आपने अभी वाला मैग्नाट्रॉन की क्रिस्टल ओपन कलेक्ट नहीं किए तो ट्रेडर्स आउटपोस्ट में जाके ये 10 वाले भी कलेक्ट कर लो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। एंड वो मेनली बेसिकली साइड क्वेस्ट की जो क्वेस्ट होती है एंड उसको फिनिश करके या तो फिर एक्सप्लोर करके आपको जो है ये वो मिलेंगे क्या कहते हैं रिसोर्सेज मिलेंगे वहाँ से आप खरीद पाओगे। तो मेक श्योर करना आप लूज ना करो। एंड या पता नहीं हम लोग 100 तो कंप्लीट नहीं करेंगे पूरे के पूरे क्रिस्टल्स बट या सो हम लोग यहाँ पर 5 स्पिन करेंगे एंड देन फिर लास्ट के 40 जो है पॉप ओपन कर देंगे। स्टिल अगर यहाँ से हमको कोई भी 7-स्टार मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड देखते हैं पता नहीं 7-स्टार का ड्रॉप रेट कितना है। आई गेस सिमिलर टू पैरागॉन क्रिस्टल उसके सेम टू सेम ही है। लेट्स सी यहाँ पर ड्रॉप रेट्स क्या है। 7-स्टार कैप्टन अमेरिका मार्वल के 0.30% है बट एक रेगुलर 7-स्टार हीरो के 1.5% है तो डेफिनेटली चांस है।
1% इज लाइक नॉट दैट मच लो, बट या इट इज लो कंपेयर टू लाइक रेगुलर एनी अदर क्रिस्टल, या वो लो है. बट या एक और हमको 4-star मिला, गुड ओके कोई नहीं. वैसे तो देखा जाए तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो 3-star 4-star में जस्ट ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया. एंड सौरन था वहाँ पर 7-star वाला, एंड 5-star वाली कैप्टन मार्वल मूवी वर्जन वाली मिली है. ऑलराइट मूविंग ऑन टू लास्ट 2 crystals, उनको भी स्पिन करेंगे. लेट्स सी डायरेक्ट जल्दी से पॉप कर देंगे. इवन लाइक रोल करते करते भी 7-star नहीं आता, मेरे को लगा ही था वो लोग टीज करेंगे, मेरे को लगा ही था. या एनीवेज यहाँ पर एक और जो फिक्सिट मिला, तो इवन अभी तक मैंने बहुत सारे जितने भी क्रिस्टल ओपन करे वहाँ से मेरे को साइंस वाला आईसो बहुत सारे मिल रहा है. ये शायद एक क्या कहते निशानी हो सकती है कि मेरे को मेरा वॉइड जो है रैंक 3 पे लेके जाना चाहिए होपफुली. एंड एक और कैप्टन मार्वल मूवी. सो या इतना कुछ खास लगता नहीं बेसिकली. 6-star तो शायद एक भी नहीं मिला यहाँ से, लेट्स चेक आउट. या 6-star तो एक भी नहीं मिला. एंड हम लोग ओपन करेंगे अभी पॉप ओपन करेंगे. एंड लेट्स सी पॉप ओपन 10, आपको कोई खास न्यू देखने को मिलता है? ओके एक न्यू है, 2 6-star देखने को मिले हैं. लेट्स सी ओके डस्ट मिली है, वाओ दैट्स नाइस. डस्ट बेसिकली ना एक डिफेंडर टाइप है, एंड ज़्यादा उसका अटैक वैल्यू जितना मैंने देखा है उतना तो मैंने इतना नोटिस किया नहीं है सामने वाले अपोनेंट में, या तो फिर यूजुअली देखा नहीं है. एंड 110 more pop तो स्टिल अगेन एक ही न्यू है, तो वो सेम डस्ट ही रहेगी. एंड इस बार हमको और 3 नए 6-star देखने को मिले, नए इन द सेंस कि 6-star के ड्यूप्स देखने को मिले. सो या दैट इज़ गुड, जितने भी 6-star मिलते हैं काफ़ी अच्छा रहता है, वाई नॉट. थोड़े बहुत 7-star शार्ट्स भी मिल जाता है. ये बेसिकली एक्चुअली ओपनिंग में जो है बहुत पहले भी कर सकता था, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतने सारे 6-star ड्यूप कर रहा हूँ तो 150 तो हो ही सकते. ओके 2 न्यू है, मतलब एक और कोई नया मिला है. तो एक 6-star मिला है डेयरडेविल का, बाकी सारे डस्ट है. एंड देन ओके आयरन हार्ट मिली है जो कि ठीक है, मतलब कुछ खास है नहीं. इवन मोस्टली ना ये 2024 में जितने भी चैंपियंस रिलीज हुए हैं वो सारे ठीक है, मतलब इतना कुछ खास है नहीं, एकदम बेकार से ही है, इतना मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया. बहुत कम लोगों को, बहुत कम चैंपियंस छोड़ के, क्योंकि मेनली यहाँ पर सिर्फ डिफेंडर्स ही है एंड उसके सेम लेवल पर अटैकर्स देखने को नहीं मिले अब तक सिवाय ये बेटर एबिल के. सो हमारे पास एक और न्यू है, 9 6-star. एंड ओके 6-star आयरन मैन इन्फिनिटी वॉर. एंड अभी गेम को लग रहा है कि इसको दे सकते हैं 6-star आयरन मैन इन्फिनिटी वॉर, जब इस पॉइंट पे मेरे पास ऑलरेडी 7-star वाला अवेकेंड भी है. सो जस्ट इमेजिन दैट, इतने सारे चैंपियंस होने के बाद, मतलब मैंने आज तक कभी भी आयरन मैन इन्फिनिटी वॉर को ना खेला था ना कुछ किया था. जब कभी भी मैं उसको देखता था बैटल ग्राउंड्स के अंदर तो मैं यूजुअली हमेशा उसको बैन कर देता था. जब कभी भी यूजुअली अगर टेक क्लास का या तो फिर उसके कोई भी क्लास का वो नोट्स आते थे ऑटो ब्लॉक वाले वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर मैं वो कर देता था. एंड देन फिर CGR आ गया था तो आयरन मैन वैसे भी ज़्यादा टिकता नहीं था. ऑलराइट टाइम टू टेक आउट सम बिग गन्स, क्योंकि मोस्टली मैंने सारे के सारे जो भी लो लेवल के क्रिस्टल्स थे वो सारे के सारे ओपन कर दिए. बाकी सारे थोड़े बहुत ऐसे पड़े रहते तो मैं वहाँ पर उनको ओपन नहीं करता, इतना ज़्यादा इतना बिल्डअप भी नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक अबिस नेक्सस क्रिस्टल. तो ये मेनली कहाँ से मिला था, कहीं से तो मिला था, मैंने शायद कोई माइलस्टोन कंप्लीट किया था तो उसमें से शायद मिला था. ओके 20% बैटरी है, शॉकर है, अवेकेंड है, ये है. एंड देन सो या नथिंग मच क्रेजी. मेरे को यहाँ से ना ये चाहिए था डॉक्टर इन्फेमस आयरन मैन. सो अगेन आयरन डूम तो मिला नहीं है. लेडी डेथ स्ट्राइक है हमारे पास, सेंटिनल की अवेकनिंग है, इसकी अवेकनिंग है, तो हार्डली ही किसी को लेंगे क्योंकि खास इतनी किसी को अवेकनिंग की ज़रूरत है नहीं. तो आई गेस लेडी डेथ स्ट्राइक को ले लेते हैं क्योंकि वो ही मेरे पास 6-star में अवेलेबल है एंड 7-star में नहीं है, तो शायद वो यूज़ हो सकती है, आई एम नॉट श्योर. बट या ये अबिस नेक्सस क्रिस्टल तो ना इतने वेस्ट
चैंपियन है, क्योंकि सपोज मान लो अगर आपके पास ना 50-60 चैंपियंस है पूरे एक क्लास के अंदर, उसमें से आपको मिल रहा है 10 ऑप्शन मिल रहे, तो वो भी नहीं। सो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर सेम टू सेम कॉस्मिक वाला। अभी स्नेक्सेस क्रिस्टल देखते हैं, यहाँ पर से मेरे को नल चाहिए। नल अभी भी मेरे पास 6 स्टार और 7 स्टार में भी नहीं है। एंड अच्छा आई गेस ये रेगुलर वाला था, मैंने पता नहीं क्यों ना अभी बोला। सो या आई गेस कल ऑब्सिडियन को अवेकन कर देंगे, हु केयर्स। मैं लिटरली सोचा था कि वो अभी स्नेक्सेस है, शायद उसी के ऊपर था इसीलिए। बट एनीवेज मूविंग ऑन टू फर्दर मोर क्रिस्टल, हमारे पास अभी 7 स्टार कितने हुए, 155 है। मे बी शायद हम लोग 11 ओपन कर पाएंगे, आई एम नॉट श्योर, बट या वन मोर 6 स्टार नेक्सस क्रिस्टल। एंड यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, फॉर द ऑप्शन एबनी मॉ स्ट्राइफ है, एंड देन फिर इसकी अवेकनिंग है। ओके वॉरलॉक तो ऑलरेडी अवेकेंड है, एंड इवन मेरे पास अभी 7 स्टार में वॉरलॉक है, तो मैं 6 स्टार में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। सो आई गेस आई विल गो विद स्ट्राइफ, क्योंकि स्ट्राइफ 7 स्टार में अवेलेबल नहीं है, प्लस उसका ना एक उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, बट एक ये है क्या कहते हैं करीनस चैलेंज के अंदर वहाँ पर है, जहाँ पर आपको म्यूटेंट टीम यूज़ करनी है, एंड वहाँ पर सारे के सारे म्यूटेंट होने चाहिए। अभी सिर्फ लेजेंड फिनिश ऑफ करना, आई गेस फिनिश तो नहीं करना, बट या मेनली बहुत सारा कंप्लीट कर देना ऐसा कुछ है। तो हमारे पास है 26 क्रिस्टल्स है, एंड 26 सारे के सारे हम लोग यहाँ पर पॉप ओपन ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को अभी ज़्यादा वेट नहीं करना है। सो अगेन 25 रखेंगे, 10,000 रहने देंगे जब कभी भी ज़रूरत होगी। सो लेट्स सी फर्स्ट पॉप 10, एंड हमको कोई न्यू देखने को मिलता है, कोई भी न्यू नहीं है। अगेन एबनी मॉ जस्ट अभी ड्यूप हो गया, फर्स्ट टाइम ड्यूप है, क्योंकि जस्ट अभी हमको हमने उसको सिलेक्टर में देखा था। एंड ये डॉग भी जो है उसकी फर्स्ट टाइम अवेकनिंग है, या तो 660 गया, ये इसकी फर्स्ट टाइम अवेकनिंग है। उसके अलावा बाकी सारे ऑलमोस्ट मेरे पास थे ऑलरेडी, एंड देन या इसकी भी 80 पे गया, ये भी 90 पे गया इसकी, या देख सकते हो डॉगो की फर्स्ट टाइम अवेकनिंग थी, एंड देन फिर कोलोसस तो ऑलरेडी 640 पे गया। ऑलराइट सो 2700 ये बीच वाले 5 जो है उसको स्पिन करेंगे। पता नहीं, मैं जस्ट नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कौन सी चीज़ें काम आ सकती है कौन सी चीज़ें नहीं। सो या डेडेविल ये थे, ये ऑलरेडी अवेकन है मेरे पास, क्योंकि अभी जैसे हम लोगों ने उसको क्रिस्टल में थोड़ी देर पहले ही देखा था, वो मैग्नेट्रॉन वाले क्रिस्टल थे ना शायद, उसके अंदर था, या इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग या उसी में था। अगेन स्टिल मेरे को अभी भी इन्फेमस आयरन मैन डूम चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही तगड़ा चैंपियन है। एंड हमको मिल रहा है यहाँ पर ग्लैडिएटर, एंड ग्लैडिएटर की अवेकनिंग हो रही है। मैं भी शायद मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा होपफुली, क्योंकि काफ़ी अच्छा चैंपियन है, एंड ये वन ऑफ दी ऐसा चैंपियन है जो अपने हैवी अटैक को मतलब रेगुलर कॉम्बो के अंदर हैवी अटैक चेन कर सकता है, जो कि ऐसे चैंपियंस बहुत ही कम है। एंड थिंग मिल रहा है नो किनरेड है, तो किनरेड की अवेकनिंग होगी। इसको मैंने एक्चुअली अवेकनिंग गेम दिया था, पता नहीं मैंने इसको सिग्नेचर लेवल दिए थे कि नहीं, शायद दिए थे मे बी, या देख सकते हैं 21 है। क्योंकि एक अवेकनिंग जेम का एक ऑप्शन रहता है, मतलब क्या कहते हैं एक सिग्नेचर लेवल ऐड हो जाता है, एंड देन फिर बाकी के 20 मैंने दिए थे, तो अभी वो 21 हो गया। सो मतलब 21 से 41 गया। एंड वन मोर ओके लेडी डेथ स्ट्राइक, जिसको हमने जस्ट अभी ही अवेकन किया, सो एक और अवेकनिंग। तो न्यू तो छोड़ो कोई देखने को मिला ही नहीं है, बाकी सारे तो ऐसे ही मिलते जा रहे हैं। एंड लास्ट वाला स्पिन करेंगे, होपफुली काफ़ी अच्छा कुछ नया देखने को मिले। एंड आर्केंजल जो कि ऑलरेडी सिग्नेचर लेवल 200 पर है, एंड आई एम नॉट श्योर कि ये लोग आर्केंजल या तो फिर हर्क्यूलिस वाले जैसे कोई चैंपियन जो है 7 स्टार में कब रिलीज करेंगे, क्योंकि इवन ऐसे 6 स्टार असेंडेड ये लोग इतने पावरफुल है ना कि भाई पता नहीं, शायद मे बी जब 7 स्टार सारे के सारे मैक्सिक हो जाए उसके बाद उनको 7 स्टार में मिलेंगे। सो या सिल्क मिली है, एंड देन नाइट क्रॉलर मिला है 6 स्टार में, फोटोन भी मिली है। फोटोन एक्चुअली ऑलरेडी सिग्नेचर लेवल 200 पे मैंने उसको लेके गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मे बी। एंड आई गेस नाइट क्रॉलर की भी फर्स्ट टाइम अवीकनिंग है, नो सेकंड टाइम है। सो ओके ऑलराइट नो वरीज नो वरीज।
तो यहाँ पर हमको और 2750 क्रिस्टल के शार्ड्स मिले 7-star के, सो अगेन 15,000 रहने देंगे यहाँ पर। एंड देन फिर विल मूव ऑन टू यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं फीचर हीरो 6-star क्रिस्टल। एंड ये दो जो है अगर आप सिजिल खरीद के रखते हो तो वहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है कि 11,000 का एक मिले, क्योंकि यूजुअली ये 15,000 का होता है। एंड मैं जैसे ये लेके रखा था, पता नहीं कोई भी एक ऐसा अच्छा कोई नया चैंपियन देखने को मिले तो ठीक रहेगा, क्योंकि यूजुअली फीचर हीरो क्रिस्टल होता है तो खास कुछ इतना होता नहीं है। बट एनीवेज मे बी आई गेस हम लोग वो लास्ट के 15,000 शार्ड्स जो है वो इसी में हम लोग स्पेंड कर देंगे। एंड इसमें से मेरे को ऐसा कोई जो भी चाहिए हो वो इतना कुछ खास तो है नहीं, बट अगर डस्ट वगैरह मिलती है तो या मेरे को लगता नहीं हमारा लक अभी इतना कुछ खास चला। बट अगेन दिस इज़ वेरी नाइस, अगर हमारा लक सारा का सारा खराब लक अभी जा रहा है तो 7-star में इससे भी अच्छा लक आ सकता है। यस दैट कुड बी पॉसिबल। बैक टू क्रिस्टल, यहाँ पर लास्ट वाला जो 15,000 के शार्ट्स है उसको भी ओपन कर ही लेते हैं डायरेक्टली पॉप ओपन। लेट्स सी हमको क्या मिलता है। प्राउलर, ओके देयर यू गो, प्राउलर भी एक अच्छा खासा है। ये आई गेस थोड़ा बहुत डिफेंस में काफ़ी अच्छा है एंड लाइक थोड़ा मीडियम है, एंड देन फिर अटैकिंग में भी ठीक ठाक है उसका। सो नाउ फॉर द मच मोर बिगर गन्स, हम लोग अभी तोप निकालेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 10 चैम्पियंस है, 150 है, एंड देन फिर लेट्स सी और कोई है, 13,000 है तो 2,000 मिसिंग है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। होपफुली जब कभी भी हमारे पास ऑप्शन होगा तो वो हम करेंगे। एंड यहाँ से मेरे को कौन से चैम्पियंस चाहिए, सो बेसिकली जो भी ऑलरेडी मेरे पास रैंक 3 है अभी, अगर मैं अवेकन कर लेता हूँ एंड उसमें भी अगर हाइपीरियन मिल जाता है तो भाई हाइपीरियन सेट है, उसको फिर छंचेरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना। हाइपीरियन ये लोग मेरे को टीज कर रहे हैं। एंड गमोरा, ये है कैसे थर्ड टाइम अवेकनिंग है गमोरा की, स्टूपिड गमोरा। नहीं चाहिए भाई, तू जा ना यार, 40 से 60 जा रहा है, तीसरी बार मैंने उसको अवेकन किया है। अगेन कम ऑन, लेट्स शो मी समथिंग न्यू, शो मी अमेरिका शावेज, शो मी समथिंग न्यू। हैवक भी है ऑलरेडी, ओके दिस इज न्यू गिलेटिन 2099, ये अच्छी खासी चैम्पियन है। एंड मेरे पास आगे 6-star में रैंक 4 पर है, बट 7-star वाली डेफिनेटली पावरफुल है। एंड मैंने जानबूझकर उसको असेंड नहीं किया था या तो फिर रैंक अप नहीं किया था लेवल अप वगैरह, क्योंकि मेरे को पता था क्योंकि फ्यूचर में जाके मिले, क्योंकि जब कभी भी मैं रैंक 4 पे लेके जाऊँ तुरंत ही सामने वाला 7-star मिले तो दिक्कत रहती है। एंड एमा फ्रॉस्ट भी, ये सेकेंड या फिर थर्ड टाइम अवेकनिंग होगी, सो या नॉट दैट आई वॉन्टेड बट ओके 60 सिग्नेचर लेवल पर गई, क्योंकि उसकी अवेकनिंग इतनी कुछ खास करती नहीं है। बेसिकली उसकी अवेकनिंग ऐसा है कि अगर बहुत सारा बड़ा डैमेज आपको लेने की ज़रूरत पड़े तो उसका डायमंड फॉर्म जो है ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से वो मरने से बच जाए या तो फिर डैमेज लेने से बच जाए। वाओ, नो वे, पिगी, या लेट्स गो मैन, लेट्स फ्रीकिंग गो। ओके तो जिन लोगों को बेसिकली नहीं पता, तो स्पाइडर हैम जो है वो एक्चुअली बहुत ही तगड़ा चैंपियन है, क्योंकि उसका डैमेज ना ऑलमोस्ट जितने भी पावर स्टिंग वाले चैंपियन है उसमें से सबसे ज़्यादा डैमेज है, क्योंकि उसका जो पॉकर पॉपर्स है, उसका जो बेसिकली स्टूपिड नॉनसेंस वाली चीज़ है, वो सारी की सारी बहुत ही अनोइंग है, इवन एज अ डिफेंस, एंड देन फिर आपको मदद भी करती है एज अ ऑफेंस में। सो या आई एम सो ग्लैड कि ओ शिट, लास्ट वाला हम लोगों को पॉप ओपन कर दिया, बट अगेन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को एक्चुअली पॉप ओपन नहीं करना था। एनीवेज यहाँ पर हमको जगरनट की एक अवेकनिंग देखने को मिलती है, जो कि ऑलरेडी मेरा जगरनट 7-star रैंक 2 पर है, दैट्स वेरी नाइस। गौर की हमको सेकंड या थर्ड टाइम अवेकनिंग देखने को मिलती है, 5 न्यू चैम्पियन है अलॉन्ग विद क्या कहते हैं उसको स्पाइडर हैम। सो हमको सनस्पॉट मिला है जो कि मेरे को कब से चाहिए था, अब जाके मिला है। क्रॉसबोन्स है, क्रॉसबोन्स भी बहुत ही रिस्पेक्टेड चैंपियन है। यहाँ पर हमारे पास स्पाइडर ग्वेन भी है, लेट्स सी हु इज़ द फाइनल चैंपियन। एंड या ओके ऑलमोस्ट भूल चुका था, सो या स्पाइडर ग्वेन ही लास्ट वाली चैंपियन थी। सो ओवरऑल आई मीन
कैसे कह सकते हो, अबव एवरेज थी मेरे पास, डेफिनेटली अबव एवरेज थी, क्योंकि जो भी नए वाले मिले हैं एंड द फर्स्ट टाइम अवेकनिंग, सो आई विल टेक इट डेफिनेटली। तो स्पाइडर हैम है, सनस्पॉट है, तो ये डेफिनेटली सारे दोनों के दोनों जो है बैटल ग्राउंड्स के डेक के अंदर जाने वाले हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, इतना ही वीडियो नहीं है, हमारे पास और एक और क्रिस्टल है जो कि है सेवन स्टार टाइटन क्रिस्टल, एंड बेसिकली ये आई गेस मेरा लास्ट टाइटन क्रिस्टल होगा यहाँ से, क्योंकि फिर अभी देख सकते हो कि जैसे दो दिन के अंदर नया टाइटन क्रिस्टल आ रहा है, एंड देन फिर मैं द क्रूसिबल को भी फिनिश करूँगा, तो वहाँ से अगर फुल्ली एक्सप्लोर हो जाता है मेरा जल्दी से, तो वहाँ से भी एक और टाइटन क्रिस्टल मिलेगा, एंड देन फिर ऑलरेडी मेरे पास प्लस 7000 में 17000 ऑलरेडी एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो मे बी हम लोग दो टाइटन क्रिस्टल ओपन कर सकते हैं, हु नोज। सो लेट्स गो विद दिस टाइटन क्रिस्टल, एंड यहाँ से मेरे को चाहिए क्या, मेरे पास ऑलरेडी ये स्पाइडर पंख है सेवन स्टार में, एंड यहाँ से अगर मेरे को मिल जाता है सपोज ये नेकासोनिक मिलेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सिल्वर सेबल सबसे बेकार है, मेरे को चाहिए भी नहीं। उसको सिम्बियोट सुप्रीम अगर मिलता है ना तो भाई बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सिम्बियोट सुप्रीम एक काफ़ी रिलायबल ऑप्शन है, एंड बहुत सारे चैंपियंस को डिफीट भी करता है, एंड माइस्ट्रो को भी डिफीट करता है, एंड देन फिर मैं जैसे कि मिस्टिक डिस्पर्शन भी यूज़ करता हूँ तो वो भी एक काफ़ी अच्छा रहेगा। बुलजाई मिलता है तो भी काफ़ी अच्छा है, व्हाई नॉट, आई विल टेक बुलजाई। एंड डस्ट, ओह भाई क्या है ये इस डस्ट को, मैं उसको मेरे को टीम में ही आना है, कोई नहीं भाई चलो आ जाओ। उसने आई गेस ये जॉर्डन्स पहने हैं, लेट मी शो यू, आई गेस उसने जॉर्डन्स पहने हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने इतना ध्यान से कभी नोटिस किया नहीं, बट या लेट मी चेक चैंपियन इन्फो, उसके पैरों पे देखो जॉर्डन्स में भी नहीं है, बट या मेरे को पहले ऐसे ही लगा कि जॉर्डन्स पहने उसने नाइकी के। एनीवेज सो ये मेनली हमारे चैंपियंस थे, एंड उसके अंदर सेवन स्टार का फिल्टर लगा के दिखा देता हूँ, तो मेनली न्यू इतने कुछ खास आए नहीं है, बट जो भी आए हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा है अपने क्लास के, तो सनस्पॉट एक काफ़ी अच्छा है, स्पाइडर हैम जो है, एंड देन फिर डस्ट भी एक काफ़ी अच्छी डिफेंस में ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि वो बेसिकली अनोइंग है, क्योंकि ग्लांसिंग मैकेनिक एक्टिवेट कर देती है, एंड देन फिर ग्लांसिंग से दिक्कत आती है। क्रॉस बोन्स अगेन देख सकते हो यहाँ पर, ये एक हाउस ऑफ मिरर या तो फिर क्या कहते हैं क्लैरिटी वाला चैम्पियन है, तो या ओवरऑल मेरे लिए काफ़ी बेस्ट ओपनिंग थी, लाइक वन ऑफ द बेस्ट थी, बट मैं सबसे ज़्यादा ग्लैड हूँ इसके लिए कि भाई मेरे को स्पाइडर हैम मिला, तो हम लोग अगेन इसको भी ये करेंगे, एंड होपफुली मे बी शायद पता नहीं वॉइड को मैं रैंक 3 पे लेके जाऊँ पहले, या तो फिर स्पाइडर हैम को रैंक 2 पे, क्योंकि मेरे पास आईएसओ तो है बट मेरे पास ज़्यादा इतने मटेरियल्स नहीं रहेंगे। सो या आई गेस इतना सा था ये वीडियो, एंड होपफुली अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, तब तक के मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।